वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? इज ऑडियो वीडियो क्लियर? वेरी गुड मॉर्निंग। चलो आ जाओ फटाफट दोस्तों सभी लोग, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है एक बार जरा सा कमेंट करके बता दीजिए सभी लोग। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। देखो भैया बिल्कुल टाइम पे हूँ आज मैं। हाँ, एक मिनट लेट है, दो मिनट, तीन मिनट, ओके, चार मिनट, तीन मिनट लेट, ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग, आ जाओ यार सभी लोग फटाफट से। चल, क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है एक बार सभी लोग कमेंट करके बताओ। ऑडियो और वीडियो क्लियर, ओके। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को पता है मॉर्निंग सेशन डेली 25 मिनट का, जिसमें हम डिस्कस करते हैं, क्या एक दिन डिस्कस होता है जीएस जीके जनरल अवेयरनेस, ओके, और करंट अफेयर्स, और ये एक दिन, और एक दिन हम डिस्कस करते हैं इंग्लिश, ओके। दिस इज अवर ट्रेडिशन जो हम फॉलो कर रहे हैं पिछले काफी दिनों से, अल्टरनेट सेशन हमारे होते हैं, ओके। तो ये जो मेरे सेशन होते हैं दोस्तों, ये आपको वेरी हेल्पफुल होंगे अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा नॉन टेक वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। अभी कुछ बच्चों ने एग्जाम दिया था, जैसे एक बच्चा बता रहा था सीजीएल में कुछ क्वेश्चन यहाँ से आए थे, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, क्योंकि कहाँ से जाएंगे, जीएस जीके तो वही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होने वाला, सिर्फ करंट अफेयर ही चेंज हो रहा है ना, बाकी सब तो वही सेम है, ठीक है, इसलिए हमें क्वेश्चंस लगाते हैं। चलिए स्पेशल क्लास की बात करूं, मैं डेली आपसे 7:35 पर यहाँ मिलता हूँ, पीएम पर मिलता हूँ कि नहीं मिलता हूँ, जहाँ पे हमारी इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, पोल मिलता है आप लोगों को, जो लर्नर्स है डायरेक्ट उनको पोल मिलते हैं, ठीक है, और नोटिफिकेशन मिलते हैं, लेक्चर नोट्स मिल जाते हैं, और आप कहीं पर भी कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं भैया, इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप जुड़े हैं, जहां पर आपको बेहतरीन हमारे टॉप एजुकेटर्स प्लस पर भी बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं। मैंने भी वहां पर जियोटेक इंजीनियरिंग पढ़ाया हुआ है, और आप जाके हमारे टॉप एजुकेटर्स के थ्रू पढ़ सकते हैं, चाहे आप सिविल मैकेनिकल सीएस ईसी कोई सी भी ब्रांच के स्टूडेंट हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको डेफिनेटली प्लस पर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ एक स्ट्रक्चर वे में, शेड्यूल वे में पढ़ाई कराई जा रही है। अब प्लस की बात करिए तो प्राइस की बात कर लेते हैं, प्लस की अगर एक साल की, डेढ़ साल की और दो साल की प्राइसेस की बात करूं तो ये रही, कोड आपको यूज करना है EC007। EC007 कोड यूज करने से आपको एक तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है, साथ ही साथ मेरा आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं, अगर आप आइकॉनिक में जाते हैं, जहां पे आपको एक पर्सनल डेडिकेट कोच दिया जाएगा, जो आपको बिठाल के आपको तैयारी कराएगा, तो आप इस सबसे जा सकते हैं। बैक्स बोर्ड के अगर आप कोई कंटेंट में कोई भी चीज इनअप्रोप्रिएट लग रही है तो आप अपनी बात रख सकते हैं। चलिए और अगर मैं बात करूं हमारी अनअकैडमी प्रोफाइल, अगर आपने अभी तक मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया तो जाइए मुझे सर्च कीजिए और मुझे फॉलो कर लीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग रानी, गुड मॉर्निंग नितेश भाई, सभी गुड मॉर्निंग, आ जाओ यार सभी लोग फटाफट, एक बार शेयर कर दो वीडियो को और सेशन को लाइक कर दो। चलो टेलीग्राम पर भी आपको जुड़ना ही है, वो तो जुड़ी गए हैं सभी लोग, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे। चलो एक हलवा क्वेश्चन के साथ चालू करेंगे आज की क्लास को, ठीक है, बट क्वेश्चन अच्छा है ना, डिस्कस करने लायक क्वेश्चन है, ठीक है, तो बाकी लोग आ जाए यार, जल्दी जल्दी आओ यार तुम लोग, एक तो टाइम पता है, मतलब तुम्हें ये लगा था कि चलो सर आज भी लेट होंगे, है ना, टाइम पर आओ करो यार। गुड मॉर्निंग नमन भाई, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग शर्मा जी। चलो चलो, हाउ लॉन्ग डज लाइट फ्रॉम द सन टेक्स टू रीच द अर्थ? 4 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, हालांकि एग्जैक्टली नहीं है ये, 8 मिनट इज करेक्ट आंसर, बट 8 मिनट कितने सेकेंड, कोई बताएगा 8 मिनट कितने सेकंड लगते हैं? अगर एग्जैक्ट आंसर पूछा जाए आपसे तो 8 मिनट कितने सेकंड्स हैं? टेल मी, एक तो दिख ही नहीं रहा होगा रेड कलर, चल लेता हूँ, हाँ जी, अगर मुझे 8 मिनट कितने सेकंड्स, एनीवन 8 मिनट हाउ मच सेकंड्स, हाउ मच सेकंड्स प्लीज टेल मी, अरे यार 16 सेकंड्स, ओके, दिस इज द एग्जैक्ट आंसर, ओके, एग्जैक्ट आंसर 8 मिनट 16 सेकंड। यहाँ पे हमारे पास 80 मिनट है, शायद नहीं 2.5 नहीं 29 नहीं यार 16 है शायद, मुझे एक बार चेक करके बताइए, मेरे हिसाब से 16 है, ओके, कुछ लोग 29 बोल रहे हैं, कुछ लोग 25 बोल रहे हैं, ओके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन करते हैं, ये भी हलवा है,
चलिए चलिए चलिए, आंसर बताइए। राजस्थान, राजस्थान, सभी लोग राजस्थान की तरफ जा रहे हैं। एंड बिल्कुल सही आंसर, राजस्थान इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। राजस्थान अरावली रेंजेस सिचुएटेड है राजस्थान में। अगेन गुड क्वेश्चन। हमारा जो सौरमंडल है, विच प्लैनेट हैज द बिगेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड इन अवर सोलर सिस्टम, बताइए। यस, राजस्थान इज करेक्ट आंसर। इसका आंसर बताइए। आज बच्चे कम आए हैं, क्यों? सो रहे लग रहा है, यही दिक्कत है। अब लेट आएंगे जब हमारी क्लास खत्म होने वाली होगी, देखना। चलिए चलिए, टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका आंसर क्या है? जुपिटर बोल रहे हैं। सी, बिल्कुल सी, एक मैग्नेटिक फील्ड है दोस्त, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। किस किस के बीच में है? किस किस के बीच में? जुपिटर और बताइए। नो दोस्त, सैटर्न इज नॉट करेक्ट आंसर, सनी इज नॉट करेक्ट आंसर, जुपिटर यानी बृहस्पति इज करेक्ट आंसर, जिसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। यस, जुपिटर इज करेक्ट आंसर। चलिए अब इसमें ये बताना है कि जो प्याज में हम खाते हैं वो क्या है, जो पार्ट हम प्याज का खाते हैं वो है क्या? लीव है, स्टीम है, फ्लावर है और रूट है। क्या खाते हैं हम, बताइए बताइए। अगेन वेरी गुड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, यस यस, टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और हिट द लाइक बटन मित्रों, हिट द लाइक बटन, हिट द लाइक बटन। रूट, रूट की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, कुछ बच्चे डी की तरफ गए हैं, कुछ बी की तरफ गए हैं। लेट्स सी कौन जीतता है, लेट्स सी कौन जीतता है। गुड क्वेश्चन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग रागनी। बी, देखो कुछ लोग बी की तरफ गए हैं, कुछ लोग डी की तरफ गए। चलिए कौन जीतता है, लेट्स सी। बी डी, बेटा बी इज करेक्ट आंसर। हम जो खाते हैं दैट इज तना फॉर प्याज। अच्छा, मैं रूट की बात करूं तो कोई बताएगा क्या खाते रूट में? हम कैरेट बोल सकते हैं, हम मूली बोल सकते हैं, ओके। और तने में और मैं क्या खाता हूं? आलू, पोटैटो, आलू, ओके। रूट नहीं खाते हैं प्याज की, प्याज का हम तना खाते हैं। रूट हम खाते हैं गाजर, मूली, इनकी हम रूट खाते हैं, ओके। और इनकी जो प्याज, प्याज हो गया, आलू हो गया, इनका हम क्या खाते हैं? तना खाते हैं। प्लीज रिमेम्बर, गुड क्वेश्चन, इसलिए मैंने बोला था गुड क्वेश्चन गलत होगा ये। गुड क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। तना खाते हैं इसका। विच आइलैंड हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन, ऐसा आइलैंड बताइए जिसकी सब, जिसमें सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। चलिए टेल मी द आंसर। चलिए मजेदार क्वेश्चन थे, जो लेट जुड़े हैं भैया वीडियो को पीछे करके देखना बाद में, टाइम पर क्लास स्टार्ट हुई। गुड मॉर्निंग भाई मिश्रा जी। चलिए टेल मी द आंसर। अंडमान निकोबार बोल रहे हैं, अंडमान बोल रहे हैं, अंडमान। चलिए देखते हैं इसका आंसर। सभी लोग अंडमान की तरफ जा रहे हैं, कुछ एक दो आंसर लक्षद्वीप भी आए, एक दो आंसर लक्षद्वीप भी आए। चलिए लेट्स सी द आंसर, लेट्स सी द परफेक्ट आंसर। अंडमान, अंडमान, बेटा आप सभी लोग गलत हैं। आंसर इज सेल सिटी, आंसर इज सेल सिटी। और ये जो हमारा नीचे वाला पोर्शन है मुंबई वाला, वहां पर है, ठीक है, जो मुंबई का पोर्शन है वहां पर है, ठीक है। तो आप सभी लोग गलत थे, ओके ओके, क्योंकि वहीं पे आपको पता भी है, ऐसे भी याद रख सकते हो, मुंबई महाराष्ट्र सबसे ज्यादा पॉपुलेशन और वहीं पे, ओके। तो दिस इज दी हाई विच आइलैंड जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर है, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों आज के बाद, ठीक। मुझे पता था आप लोग को ये शायद ना बने, याद रखिएगा हाईएस्ट पॉपुलेशन यहीं पर है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करिए। I was damn sure, but दिए नहीं आंसर, कंफ्यूज थे। नितेश भाई, अगर तुम डैम श्योर थे तो कंफ्यूज कैसे थे, और अगर कंफ्यूज थे तो डैम श्योर कैसे थे? दो में से एक चीज गलत है। तुम डैम श्योर नहीं थे इसलिए तुम कंफ्यूज थे, समझे? चले, है ना, ठीक है। तो फिर डैम श्योर नहीं हुआ ना भाई वो, बताइए।
चलिए चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। ये मुझे लगता है हर स्टूडेंट की दुनिया जिंदगी का सबसे कंफ्यूजिंग सवाल है कि नहीं? ये जो रबी और खरीफ है ना, ये हमारी जिंदगी का मुझे लगता है सबसे कंफ्यूजिंग सवाल है कि रबी और खरीफ। ओके, और इसमें भी दो चीजें हैं, इसमें भी दो चीजें हैं। क्या दो चीजें? क्या है? एक होता है बोने की और एक होता है काटने की। याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा कि जो ये मार्च अप्रैल वाला काम है ना, ये रवि अंकल का है। किसका? ये रवि अंकल का है। और ये जो सितंबर में काटने की बात हो रही है यहाँ पे, और ये जो काटने वाली बात है खरीफ की, ये खरीफ अंकल है, ये खरीफ अंकल है। ओके, तो खरीफ फसलों की जो कटाई की जाती है वो सितंबर से अक्टूबर, ये गलत है, अक्टूबर नवंबर नहीं, सितंबर से अक्टूबर आएगा यहाँ पे, सितंबर से अक्टूबर के बीच की जाती है। ओके, मेरे लिए दुनिया का ये सबसे कंफ्यूजिंग सवाल था, ये रबी और खरीफ, जब मैं पढ़ रहा था ये, शायद फिफ्थ में हम पढ़ते थे। ओके चल, ओके क्लियर है? तो सितंबर से अक्टूबर इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके मैंने बोल दिया, गलती से हो गया है ना, सितंबर अक्टूबर ही आएगा। ठीक है, चलिए 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 आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। हिट द लाइक्स बटन, अगला। अच्छा, मैंने प्लेलिस्ट भेज दी है, जिनको शुरू के 5 लेक्चर नहीं मिल रहे थे, आशा करता हूँ उनको मिल गए होंगे। ठीक है, मैंने भेज दिए लिंक, अगर किसी को चाहिए हो, मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, अगर किसी को नहीं मिले हो तो। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज कॉल्ड सेल्फ प्लोइंग सॉइल? सेल्फ प्लोइंग सॉइल, यार सिविल वालों तो जानते हो एल्यूवियल सॉइल क्या होती है, ब्लैक सॉइल क्या होती है, लेटरल सॉइल क्ले क्या होती है, और रेड सॉइल क्या होती है। ओके ब्लैक सॉइल बोल रहे हैं कुछ बच्चे, कुछ एल्यूवल बोल रहे हैं, कुछ ब्लैक बोल रहे हैं। हाँ दोस्तों, एल्यूवल वाले गलत हैं, एल्यूवल सॉइल नहीं होता है। ठीक है, जिसको सेल्फ प्लोइंग बोलते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी, दैट इज ब्लैक सॉइल, जो वाटर को बहुत हद तक क्या करके रखता है, एब्जॉर्ब करके रखता है। ओके, दैट सॉइल इज कॉल्ड अ ब्लैक सॉइल। ओके दोस्तों, इसलिए इसको सेल्फ प्लोइंग सॉइल बोला भी जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ब्लैक सॉइल इज करेक्ट आंसर। एनीवन प्लीज टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्यूवल सॉइल? सिविल वालों तो बताएंगे मुझे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्यूवल सॉइल, आपने तो पढ़ा भी। ठीक है, बट इसका आंसर ब्लैक सॉइल है, बट आई वांट टू नो इन वन लाइन व्हाट इज द एल्यूवल सॉइल। चलिए जब तक मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि एल्यूवल सॉइल होती क्या है। ओके मित्रों, चलिए आगे बढ़ रहा हूँ मैं, और ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ चुका है भाइयों। किसी ने आंसर नहीं दिया, मैं दूं क्या एल्यूवल सॉइल का आंसर? चलिए देखो, एल्यूवल सॉइल कुछ नहीं होती है, उसको एक और नाम बोला जाता है, इस तरीके से याद रखिए, डिपॉजिट। डिपॉजिट जो डिपॉजिट होती है एक जगह से दूसरी जगह, है ना, और लूज सॉइल होती है, लूज होती है काफी ज्यादा। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड स्नेहल, बिल्कुल सही है, नितेश बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ओके, यही पूछना था मैं बस, और नथिंग मोर देन। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इन विच अमंग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट टेराकोटा ऑफ प्लॉग वॉज फाउंड? निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा साइट पर हल्का टेराकोटा पाया गया था? अच्छा, यहाँ बच्चे ये बिल्कुल ना सोचे कि अरे यार सर ये नॉन टेक, नॉन टेक बहुत जरूरी है, इसलिए करा रहा हूँ टेक्निकल के लिए। आप रात में 9:30 बजे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ओके चलिए, इसका आंसर सभी लोग बनवाली बोल रहे हैं, बनवाली बोल रहे हैं, और बनवाली इज करेक्ट। अब जरा आपसे एक और क्वेश्चन, ये कहाँ पर स्थित है फिलहाल, ये कहाँ पर है? ओके चलिए बताइएगा जरूर। चलिए बनवाली इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। चलिए, द मिक्सचर ऑफ कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड कैल्शियम सिलिकेट इज कॉल्ड? जो कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण कहलाता क्या? दिस इज वन ऑफ द माय फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द डे, गुड क्वेश्चन।
यार बफरिंग हो रही है क्या? यार बफरिंग हो रही है क्या मित्रों? इज देयर एनी बफरिंग? इज देयर एनी बफरिंग मित्रों? इज देयर एनी बफरिंग मित्रों? प्लीज टेल मी, एक बार कमेंट कर दो, बफरिंग है क्या? सीमेंट, सीमेंट सभी लोग बोल रहे हैं सीमेंट। यार ये तो गजब बेइज्जती करी तुम लोगों ने मेरे क्वेश्चन की। एंड यू ऑल आर करेक्ट, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। तुक्का मारा कि पता था? नहीं है बफरिंग, ओके ठीक है, तुक्का मारा कि पता था ये चीज? मैं फोकट ही हाइड हो गया, मुझे लगा बफरिंग हो रही है मेरे फोन में भी ना। ये तुक्का मारा कि पता था दोस्तों? आज के बाद याद रखिएगा, कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण ही कहलाता है वॉट? सीमेंट। द मिक्सचर ऑफ कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड कैल, बहुत से बच्चों को यहाँ नहीं पता होगा बट आज पता चल गया, याद रखिएगा ठीक है, सीमेंट कहलाता है। और ग्लास के ऊपर भी काफी क्वेश्चन आया, मैंने एक दो क्वेश्चन आपको ग्लास के ऊपर कराए भी है। चलिए अब ये बताइए, द डीपेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, पता था? पता था, अच्छी बात है, चलिए अच्छी बात है पता था तो ठीक है। अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए। द डीपेस्ट प्लेस प्लेस ऑन अर्थ क्या है, बताइए जरा। आ गया, वापस आ गया, चलिए पता था तो अच्छी बात है। द डीपेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, सबसे गहरा प्लेस कौन सा है अर्थ पे, और ये कौन से, खैर अभी आगे नहीं तो, कैस्पन, कैस्पियन सी, कैस्पियन सी बोल रहे हैं। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर, रानी जी बोल रही है थ्री, नमन भाई बोल रहे हैं टू, अलग अलग आंसर आ रहे हैं, क्या करें। चलिए कुछ लोग बोल रहे हैं ब्लैक सी, कुछ लोग बोल रहे हैं डेड सी, कुछ लोग बोल रहे हैं कैप्सियन सी, अरबियन सी कोई नहीं बोल रहा है, तो चलो ये तो गलत हो गया। मरीन ट्रेंच है, बिल्कुल सही, और मरीन ट्रेंच के अंदर ही पाया जाता है डेड सी, ओके याद रखिएगा इसके बाद, डेड सी इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, ओके यस एकदम सही जा रहे थे, तो वो मरीन एंड ट्रेंच में ही डेड सी पाया जाता है, और डेड सी डीपेस्ट प्लेस ऑन अर्थ है। आज के बाद याद रखिएगा, सबसे गहरा प्लेस डेड सी, देखा है कि नहीं देखा है, ओके ओके, तो डेड सी इज करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, डेड सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, एकदम परफेक्ट आंसर। चलिए इसका आंसर बताइए दोस्तों। कहाँ है हम यहाँ? ये नहीं पता था इसलिए तो पढ़ाया जा रहा है, आज पता चल गया ना। चलिए चलिए हाँ जी, इसका आंसर बताइए। हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, अच्छा साउथ इंडिया की बात हुई है। अच्छा एक क्वेश्चन पूछूं मैं आज आप लोगों से, एक क्वेश्चन पूछूं, इंटरेस्टिंग है, एक क्वेश्चन पूछूं, एक क्वेश्चन पूछूं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछूं आज आपसे। एक्चुअली एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, अच्छा क्वेश्चन था, चलिए इसका आंसर दे दो पहले फिर पूछता हूँ आपसे, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए ये इसका आंसर तो वन आ रहा है सभी का, एंड वन एब्सोल्युटली करेक्ट, टू रानी गलत आंसर है, एना मूडी इज करेक्ट आंसर, ओके चलो एक सही है, ओके। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछूं मैं आप सभी से, जल्दी बताइए। चलो पहले आके पूछूंगा, वीडियो में आके पूछूंगा ठीक है। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आ गया सामने, नहीं आया क्या? आ गया यार, आ गया ना शायद, ठीक है। एक बात बताओ, जो इंडिया है, इंडिया है जो हमारा वेस्ट बंगाल है, ओके पहले बताइए किस किस को पता है इसका आंसर। जो वेस्ट बंगाल है वो हमारे इंडिया के ईस्ट साइड में, सभी को पता है ये बात? पहले तो ये पता है कि नहीं पता, मुझे भी नहीं पता है ना, इंडिया के ईस्ट साइड में है हमारा, जो अगर हमारा मैप देखा जाए उसके ईस्ट साइड में वेस्ट बंगाल, तो उसे वेस्ट क्यों बोला जाता है? एनीवन एनीवन, जब वेस्ट बंगाल ईस्ट साइड में है तो उसे वेस्ट क्यों बोला जाता है? एनीवन कोई इसका जवाब दे पाए? ये तो पता है ना सभी को कि ईस्ट साइड में है, ये पता है कि नहीं पता है ना, ईस्ट साइड में, तो उसको वेस्ट क्यों बोला जाता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कोई आंसर दे पाए तो।
क्योंकि वो बांग्लादेश के वेस्ट में है। थोड़ा सा सही है, थोड़ा सा और एब्सोल्यूट करेक्ट करें, थोड़ा सा और करेक्ट करें नमन। बांग्लादेश के वेस्ट में होने से क्या होता है, ये आंसर नहीं है। ठीक है बट मैं समझ गया, मे बी मतलब आप लोग को नहीं पता था। ओके देखिए क्या हुआ था कि जो वो पूरा पार्ट है उसको पहले बंगाल बोला जाता था। ओके पहले बे ऑफ बंगाल जैसे कि रागनी ने बोला वो था, फिर उसका डिवीजन हो गया बांग्लादेश अलग हो गया, ये हो गया, तो उसके वेस्ट में जो है तो उसके लिए उसको वेस्ट ऑफ बंगाल बोला जाता है ना, बांग्लादेश के पार्टीशन। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ ये सही था कि पार्टीशन जब हुआ था तो वो जो वेस्ट बंगाल है वो वेस्ट साइड है इसलिए उसको वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन अच्छा था, ये मैंने सोचा नहीं, मैंने कहा यहाँ यार ये तो सोचने वाली बात है यार, ये मैंने भी नहीं सोचा था उसके पहले तक, स्टूडेंट ने पूछा तो मेरे दिमाग में क्लिक हुआ तो वहां से, तो अच्छा क्वेश्चन था है ना। तो बाकी वो अलग हो गया और जो वेस्ट वाला पार्ट था वो हमारे इंडिया के पास आ गया। चलिए अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। द मोस्ट एडोंडेंट कंपोनेंट ऑफ एटी, यार ये बहुत आसान है यार, ये तो हलवा यार, कैसे डाल दिए मैंने क्वेश्चन। यार लाइक करो सभी लोग फटाफट और इसका आंसर बताओ ये तो हलवा क्वेश्चन है यार, दिस इज हलवा, सिर्फ उठा के खाना है इसको। ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ओजोन, ए बताओ। गजब बेइज्जती करी रानी जी आपने तो एकदम हमारी। ऑक्सीजन नहीं है बेटा, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, 70 कितने परसेंट है, 71 क्या किया रानी जी ने आज। ओके 70 कितने परसेंट है, कमन टेल मी, नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है, हाँ या ना बोले जल्दी से मतलब बताएं। नाइट्रोजन इज एब्सोल्युटली करेक्ट प्रूफ, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था, गलत कैसे कर दिया आपने। कितने परसेंट है ये भी तो बताओ, हाउ मच, तब सी लिख रहे हैं, परसेंटेज कोई नहीं बताएगा। 76 या 7 है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, भूल गया, बताइएगा जरा कमेंट करके। अगला क्वेश्चन 78 है, ओके 78 है, आप लोग बोल रहे तो 78 होगा। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न एटोमिक थ्योरी, जो मॉडर्न एटोमिक थ्योरी है उसका फादर किसे बोला जाता है। यस ऑक्सीजन 21%, ये तो एब्सोल्यूट ठीक है। चलिए Who is the 71? कुछ लोग 71 बोल रहे हैं, कुछ लोग 78 बोल रहे हैं, 78 ही होगा दोस्तों, क्योंकि देखिए 78 नाइट्रोजन हो गया, 21 ऑक्सीजन हो गया, फिर बची हुई गैसेस में बाकी आ जाती है 1% के अंदर शायद, देख लीजिए। Who is the considered the father of modern atomic theory? जॉन अंकल बोल रहे हैं, जॉन डाल्टन, जॉन अंकल, चलिए ये अंकल तो हो नहीं सकते, ये भी नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकते, आंसर जॉन डाल्टन। क्यों नहीं हो सकते, सबके अलग अलग थ्योरी है, इसलिए उन्होंने अलग कहीं दी दुनिया में काम करा, तो जॉन डाल्टन अंकल इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। ओहो हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट गवर्नर एंड वायसराय ऑफ द पुर्तगीज स्टेट ऑफ इंडिया, हमें पता है हमारे देश पे सबसे पहले कौन आए थे, 1800 में आए थे ना, नहीं 1800 नहीं, पुर्तगाली आए थे डची, उसका नाम क्या था, वास्को डी गामा आया था, है ना ओके। तो उसने पहले गवर्नर और वायसराय के रूप में किसे नियुक्त किया था, तिरसुतो डी कुन्हा, अफंसो डी अल्बुकर्क, पता नहीं क्या नाम है, अल्बुकर्क ओके। और अगला है मैनुअल एंटीनियो बासलो ई सिल्वा और फ्रांसिको डी अल्मेडा, ये नहीं पता ठीक है, ये नहीं पता बोल रहे हैं, तो आज के बाद इसको याद रखिएगा। नो डी थ्री इज नॉट करेक्ट आंसर, फ्रांसिको डी अल्मेडा इस करेक्ट आंसर, फ्रांसिको डी अल्मेडा, गोविंदा की एक मूवी भी है, ये तो आज तक नहीं पढ़ा। 4-4-4-4 देखो कुछ बच्चों के आंसर आ रहा है, मतलब कुछ लोग आपसे आगे हैं क्योंकि उनको पता है, तो आज आप लोग को ही पता चल गया। तो फ्रांसिको डी अल्मेडा भारत के पुर्तगाली राज्य के पहले गवर्नर, दोस्तों ये क्वेश्चन पता होना चाहिए ओके, पहले गवर्नर और वायसराय, पहले गवर्नर ओके, ये पता था। चलिए जिसको पता था बहुत अच्छी बात है, उनने इस क्वेश्चन में कुछ नहीं सीखा, जिनको नहीं पता था उनने बहुत कुछ सीखा, आप दूसरे क्वेश्चन में सीखेंगे। तो देखो डी अल्मेडा से याद रख सकते हो, अल्मेडा ओके, टेढ़ा मेढ़ा अल्मेडा, इसने काम कर दिया पूरा टेढ़ा ठीक है। तो डी फ्रांसिको डी अल्मेडा इज करेक्ट आंसर। कुछ कुछ होता है, हाँ वही मैं सोच रहा था कौन सी मूवी में है अल्मेडा, हाँ वो बोलता भी है ना शायद, कुछ ऐसा बोलता भी है, वो रहता ना जॉनी लीवर उस मूवी में शायद,
चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए यार। सभी लोग लाइक करो फटाफट सेशन, मजा आ रहा है कि नहीं? और आप लोग ये जो लेट उठ रहे हो ना बारिश में, इन सब का नाम याद रखना पड़ेगा बेटा, देशद्रोही क्या, याद तो रखना पड़ेगा, जौक जौकरी चाहिए जीवन में। चलिए, सोडियम कार्बोनेट इज कॉमनली नोन एज, किस नाम से जाना जाता है? लाइम से, सोडा से, ग्लास से और क्वार्ट से। चलो 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 चलो, इसका आंसर सभी को पता है, हलवा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। ठीक है, सोडा दिलों का आता है, तो सोडियम कार्बोनेट इज नथिंग बट सोडा, सोडा। चलो इस क्वेश्चन को नहीं कराते, आगे बढ़ते हैं। ओके, निम्नलिखित में किस पार्ट को वेदांत कहा जाता है? देखो क्वेश्चन कितने फास्ट और कितने बढ़िया करा रहा हूं। लास्ट 5 क्वेश्चन है मित्रों, प्लीज सभी लोग हिट दी लाइक बटन, सभी लोग लाइक करें हमारे सेशन को अगर पसंद आ रहा है तो। एंड डेली सुबह 9 बजे जुड़ना है, ये लेट मत आया करो, अगर डेली सुबह 9 बजे जुड़ो, 9:30 तक रोज कुछ ना कुछ सीख के जाओ, अगर 4 चीजें भी सीख ली तो बस हो गया काम, एक दिन का काम खत्म। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करिए। निम्नलिखित में से किस पार्ट को वेदांत कहा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज रिफर्ड एज अ वेदांत, वेदांत मतलब वेद का अंत। ओके, वेदांत, कुछ लोग बी बोल रहे हैं, कुछ लोग डी बोल रहे हैं, ब्राह्मण बोल रहे हैं, कुछ लोग आर्यंक बोल रहे हैं। चलिए, तो मतलब इसका आंसर किसी को नहीं पता, इससे मुझे कंफर्म हो गया कि इसका आंसर किसी को नहीं पता। चलिए अब आंसर आए हैं, 3-3-3 एंड 3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, उपनिषद इज द वेदांत, याद रखिएगा आज के बाद, वेदांत 3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, वेदांत इज करेक्ट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट वन, विच, अब यार इसको तो सीधा याद करना पड़ेगा, विच नेशनल वाटरवे कनेक्ट कृष्णा एंड गोदावरी रिवर, कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स को कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग जोड़ता है? जी टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन भाइयों, टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अभी तक इसका आंसर नहीं आया मित्रों, आंसर दो भाई इसका। एनीवन मित्रों, दो तुक्का मार रहे, अरे तुक्का वाली चीजों का क्या ही करे जीवन में, तुक्का ये नहीं पता है। तो कौन से नेशनल राष्ट्रीय जलमार्ग जो कृष्णा और गोदावरी नदियों को जोड़ते हैं? आंसर इज 2NW4। कुछ देखो तुक्के में तो सब साथ हो जाते हैं, तो नेशनल वाटरवे 4, चौका मारते हैं जैसे हम, तो दिस इज 4। ओके, तो कृष्णा और गोदावरी ने मिलके क्या राष्ट्रीय जलमार्ग 4। ठीक है चलिए, ठीक है आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। हु इज द प्रिंसिपल रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर स्टॉक मार्केट इन इंडिया, प्रॉबली लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ओके, हु इज द प्रिंसिपल रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर स्टॉक मार्केट इन इंडिया, भारत में शेयर बाजार के लिए प्रमुख नियामक प्राधिकरण कौन है? आरबीआई है, सुप्रीम कोर्ट है, सेबी है और फाइनेंस मिनिस्ट्री है। दिस इज अगेन सुपर्ब क्वेश्चन, सुपर्ब, यहां लिखता हूं सुपर्ब, वहां अच्छे से देखिएगा, ये लो। चलिए करिए इसको जल्दी से सॉल्व, जल्दी से सॉल्व करिए। सेबी, दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, एंड आंसर इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बनाया ही इसीलिए गया है वो, तो जब भी इसकी बात करी जाए याद रखेगा सेबी इज करेक्ट आंसर, ये मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को। ठीक है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। चलिए दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, बुद्धास टीचिंग वर कंपाइल्ड बाय हिज डिसिपल्स एंड आर नोन एज, चलिए बताइए इसका आंसर, स्कैम 1992 में देखा था, अच्छा देखो ठीक है, अच्छी बात है, याद रहेगा वो इंपॉर्टेंट है।
चलिए इसका आंसर बताइए दोस्तों, इसका आंसर बताइए, किसी को पता है तो। जब बुद्धा के उपदेशों को, फोर फोर ऑल ऑफ दीज, मैंने कौन भाई बनाया, फोर फोर, नो दोस्तों फोर इज नॉट करेक्ट, आप सभी लोग बोल जरूर रहे हैं फोर इज नॉट करेक्ट, त्रिपिटक इज करेक्ट आंसर दोस्तों, त्रिपिटक इज करेक्ट आंसर। और त्रिपिटक में वो जो तीन पिटाक्स हैं वो कौन कौन से हैं, पहला है विनया पिटाका, विनया यार दिख रहा है कि नहीं, एक में रुक जाओ ठीक है, अब इसको भी याद रख लोगे तो अच्छी बात है। पहला है विनया पिटाका, ठीक है, पहला है विनया पिटाका, सेकंड है सुत्ता पिटाका, सेकंड है सुत्ता पिटाका, ओके, एंड थर्ड वज इज अभिदामन पिटाका, थर्ड वन इज अभी ठीक है, ठीक है, ये मेटाफिजिक्स के ऊपर है ना ये लार्जेस्ट बुक है ऑफ ऑन बुद्धा सरुमंस पे, और जो विनया पिटाका है वो ऑर्डर्स के बारे में कंडक्ट कराता है, ठीक है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें हमें याद रखनी है दोस्तों, ठीक है, ये त्रिपिटाका है ना कि डी, सभी लोगों ने आंख बंद करके इसका आंसर डी दिया था, ओके। चलिए तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास समाप्त होने जा रही है, आशा करते हैं आप लोगों को सेशन बहुत पसंद आया होगा। यस, दीपमवा एंड महावसा महावीरा का है, बिल्कुल सही है ना। तो अगर आप यहां तक जुड़े हो मतलब आपने सेशन को बहुत एंजॉय करा है, और अगर एंजॉय करा है तो वीडियो को लाइक शेयर बनता है। डेली सुबह 9 बजे आपसे यहाँ मुलाकात होती है, आशा करता हूँ कि आपकी जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन हो रही है उसमें मेरा कुछ ना कुछ योगदान जरूर रहे, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन पसंद आए होंगे, ऐसे और क्वेश्चन लेके कल सुबह फिर मैं आप लोगों के वक्त बीच आऊंगा, कल मैं इंग्लिश डिस्कस करूंगा और फिर उसके अगले दिन फिर यही जीएसटी के डिस्कस करूंगा। चलिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, और कल रागनी का कमेंट मैंने लेट पढ़ा था, रागनी बोल रही थी कल उनके सारे आंसर सही थे, कॉन्ग्रेचुलेशन रागनी, है ना। तो आज से ही जीएस में भी हमें करना है कि हम सारे क्वेश्चन के आंसर सही दे पाए, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं शाम को अन अकेडमी ऐप पर एप्टीट्यूड और क्विज के साथ। जिसने मुझे अन अकेडमी फॉलो नहीं किया कर लीजिए दोस्तों, टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए, और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा कोड जरूर यूज करिएगा AC007, आप सभी को पता है, या आपके कोई साथी लेते हैं तो प्लीज शेयर करिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच, आशा करता हूँ आपको मजा आया होगा, थैंक यू सो मच। स्नेहल कुछ बोल रही है, सर बोला है स्नेहल जी ने, कुछ नहीं बोल रहे, ओके, सभी ने एंजॉय करा है सेशन को, कोई डाउट है तो बोलो। सर टेक्निकल सिविल की क्लास ले, तो बिल्कुल लेता हूँ स्नेहल जी, रात में 9:30 बजे मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, 9:30 PM पर मैं क्लास ले रहा हूँ बेटा, ठीक है, आज भी लूंगा। एक्चुअली मैं अभी क्या कर रहा हूँ, आपको एसएससी जेई का पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है, रात 9:30 बजे डेली, आज भी कराऊंगा, और मैं 19 अगस्त से नया सब्जेक्ट चालू कर रहा हूँ, ठीक है, न्यू बैच चालू कर रहा हूँ 19 अगस्त से, कंप्लीटली फ्री है, तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो इस बैच में जरूर जुड़े, ठीक है, तो बहुत जल्दी चालू होगा, ठीक है, 19 अगस्त से चालू होगा, तो सभी बच्चे, इसलिए बोल रहा हूँ अपडेट रहिएगा पहले लेक्चर से, इसलिए टेलीग्राम पर जुड़े रहिएगा, जो बच्चे टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, अनअकैडमी पर जुड़ जाओ, रात में 9:30 बजे आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मिलते रहिए, मिलेगी और बिल्कुल कॉन्टेक्ट बनाए रखिएगा, और अनअकैडमी ऐप पर जरूर फॉलो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत हो मैसेज कर दीजिएगा। चलिए तो मिलता हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और हम डिजर्व करेंगे, मेहनत करेंगे, डिजर्व करते हैं तो हम छीन ही लेंगे अपनी चीज, चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्द।